live stream. This is not a premiere. This is not a video. We're doing a live stream because Rega couldn't give me time to actually shoot a video. I'm just going to welcome Rega. Hello and welcome to Drawing Karo Tuesday. This is Hello, Shitbag. Hello, कैसे? Hello. Thank you for this big opportunity. आपका एक बहुत अच्छा फोटो हमने शेयर किया था लोगों के साथ. लोगों ने बहुत ज्यादा आर्टिस्ट है हमारे कम्युनिटी में. एक ड्रॉइंग को सिलेक्ट करके एसिडियल मर्ज देने वाले हैं उनको. कुछ वो लोग ने चेंज भी किया वो फोटो को आपके रियल लाइफ से रिलेट करके. रेगा, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉइंग एंड आप जज कर भाई ये नाक देख लो मेरी देखेगा तेरे को आगे जाके एक नाक तेरी कैसी बनाई है लोगों ने. ये रेगा की नाक है तू. ये गलत है भाई, ये ड्रॉइंग गलत है भाई. ये अगला है. टी-शर्ट चेंज कर दी. सुनिए, मैं आपको मेरे को बना दिया. रेगा, मैं आपको समझाता हूँ. आर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट. तो मेरे को फोकस करना ना, आर्ट पे फोकस करना है ना. ये दांत मेरे टकलाऊ में. और ये मैकडॉनल्ड्स वाला क्यों किया है वो नहीं समझा मेरे को. ये मेरे ख्याल से एक हमशक्ल है मेरा, उसकी वीडियो एक वायरल हुई थी मैकडी जाते हुए. तो एकदम सेम दिखता वो पीछे से ना, सामने से भी थोड़ा बहुत लगता है. तो शायद इन्होंने वो रेफरेंस लिया है. बट आप नाक देख रहे हो दोनों ड्राइंग में. नाक बस नाक ये बस पंजा लग रहा है, ये पता है वो डॉलर का. तो आई विल गिव दिस अ मेंशन बिकॉज़ आई लाइक दिस. क्या अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मेरे को. खाओ मां कसम. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज द नेक्स्ट वन. यार ये देखो, मैं सही बताऊं ना, वो फोटो ऐसी ही थी. बात तो सही है, अगर देखी जाए ना इसको फिर भी रख सकते हैं. इसने कुछ क्रिएटिव नहीं करा, इसने प्रॉपर वही ड्राइंग करने की कोशिश करी है और नाक भी इसने थोड़ी नॉर्मल रखी है. ओके, नेक्स्ट ड्राइंग लेते हैं. क्या बात, ओह सिड भाई ये नकली है. क्या बात है, नहीं नहीं ये असली है भाई. ये है माल फोटो भाई. हाँ थोड़ा सा बुढ़ा, नाक की झुर्रियां, सर पे इतनी टेंशन तो है, बट ये दिखानी नहीं थी ना. तो ये इसको सिड भाई आगे लेके जा रहे हैं. तो जैसे हम लोग, मैं वही बोल रहा हूँ, आर्ट बहुत सब्जेक्टिव होता है. हर बंदा अपने हिसाब से बना रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या हिसाब लगा इसमें. हिसाब बताओ इसमें. ये एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा है ये मेरे हिसाब से. 32 दांत तो ऊपर ही हो गए. तो ये फोटो बाहर नहीं जा पाएगी. बट तेरी नाक अच्छी बनाई है. जो है वो है. कोई बात नहीं, अगले ड्रॉइंग पे जाते हैं. ये नहीं आपको पसंद. एक सेकंड, डरे हैं जिम करे. अबे गमला बना, मुंह का फेस देखो भाई. नाक मेरी सही में ऐसी है क्या? नाक तेरी ऐसी, मैं अभी सब नाक में मजाक बना दे रहे मेरा फोटो बनाते बनाते. यार बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. बट मतलब अगर तू जिम जाता तो ऐसा दिखता. जिम जाता तो क्या, बॉडी मेरी ऐसी है. ये देखो लौड़े को. इसको आगे लूंगा मैं. इस लड़के ने मेरा बॉडी असली में दिखा दिया, किसी को पता नहीं थी. यार आर्ट तो है, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर देखेगा आर्ट बुरा नहीं है. बुरा नहीं है, तेरी फोटो ही ऐसी थी. सोल फॉरएवर लिखा है. इसको आगे ले जाना पड़ेगा ना, दिक्कत होगी. आईडिया अच्छा है. ये चलो मेरी ड्राइंग इसने नहीं भी करी. ये जोकर बनाया साइड में, मैकडी वाले. ये ऐसा होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है भाई. इसने लेकिन मेरी शक्ल देखो सिट भाई, अच्छी बनाई है. सिट भाई फोटो आगे जाएगी. ये जाएगी आगे. आर्ट लग रहा है आपको. चलिए अगला भी खिला रहे ना. ओ ज़ूम करते थोड़ा सा, ठीक से देखने के लिए. देखो मेरा लेफ्ट वाला. ये तेरी असली बॉडी है, वो जिम वाली थी. ये रिपोर्ट होगी भाई. ये क्या बनाया है इसने. आईलैशेस बराबर दिए हैं, दांत का आता पता नहीं है, चेन भी चलो बराबर दी है, शर्ट भी बराबर दिया, हाथ ऐसे निकाल दिए मेरे. पोलियोटोस है ये तो क्या? नहीं 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 नहीं, रिपोर्ट अच्छा है बट ये. अरे भाई लाइक कहाँ कर रहे हो, रिपोर्ट करो. वो लड़की बना दिया थोड़ा सा गर्लिश. थोड़ा गर्लिश प्रतीक भाई. ये पार्व नहीं है, पार्वी लग रही है. मार देगी मुझे जान से. पर ऐसा इसने ऐसा क्या अलग किया है जो तू लड़की जैसा क्यों लग रहा है इसमें? अगर ये लिप पे ये लिपस्टिक नहीं लगाता ना ब्लू वाली. हाँ, शायद लिपस्टिक के वजह से लग रहा है. ये लिपस्टिक इसने लगा दी ब्लू वाली. लिपस्टिक के वजह से वो ऐसा है. हाँ ये सेम बट डिफरेंट. ये नो मनी वाला है कि बैंक का तो ये नहीं जाएगा आगे. क्या बात, ये तो मैं बिल्कुल नहीं लग रहा. शक्ल फेस थोड़ा सा इसने अच्छा नहीं बनाया है, बट आई थिंक स्किल्स अच्छे है इसके भी काफी. तो इसको मैं लाइक देना चाहता हूँ मेरे तरफ से. तेरे को क्या करना है तो बता सकते हैं. अच्छी जगह स्किल यूज करो, गलत मेहनत कर रहे हो यार. टी-शर्ट अच्छी बनाई है इन्होंने, टी-शर्ट की वो अच्छी दी है. दाढ़ी भी अच्छी बनाई है देख इसने, मतलब आती नहीं है ना तेरे को. इमोशनल डैमेज. अगला आर्ट करो, जस्टिफाई करो आर्ट. कौन है, क्या बोलते हैं इसे? कैरिकेचर बोलते. कैरिकेचर बोले तो क्या फोटो खराब कर दो? नहीं, अरे वो जो फनी टाइप के ड्राइंग्स नहीं होते, जो कैरिकेचर जो कार्टून बना देते हैं बंदे को. इरिटेटिंग ड्राइंग है ये, फनी ड्राइंग है ये, इरिटेटिंग ड्राइंग है ये. क्या करे इसका, कैसे कर सकते हैं सब? नहीं कर रहे, आर्ट अच्छा है. अगला एक. ये क्या है, 2020 में पहुंचा दिया मेरे को.
एकदम नाक देख लिया। नहीं भाई ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट, एकदम रिजेक्ट है, एकदम रिजेक्ट। कोई बात नहीं, अच्छा बनाया भाई। और इसने क्यूट बनाया है, इसने एकदम रियलिस्टिक भी बनाया है। ऊपर देख तो गोल्डी भैया का नाम भाई, ये अंकिता है? नहीं अपने अंकिता नहीं है। क्या बात, क्या लगता है फिर करते बात, बात करते मतलब आगे ले जाते हैं इस फोटो को। ठीक है उन्होंने पहले किया नहीं है जी क्या ये अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्या इसमें आर्ट का है तो नहीं पसंद आ रही तेरे को? अरे कैसे पसंद आ सकती है ये, ऊपर बाल की जगह लग रहा है लहसुन लगा दिए तीन चिपक गए क्या है ये लोग? मेरे छोटे भाई ने बनाया बोल रहा है, उसके छोटे भाई ने बनाया तो ठीक है। मारते नहीं हो घर में अपने? कंट्रोल। एक जूम इन करके देखते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें तो दिख नहीं रहा है। ये गोटा क्या है? ये फोटो इतनी दी थी आपने? मेरी फोटो तो मेरी आदित थी, मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, पूरी फोटो थी नहीं? नहीं पूरी नहीं थी, इतना कर रहा था, यही कर रहा था, तो फोटो पूरी नहीं थी। तेरा है मतलब तेरे पे डिसीजन है, तेरे को आगे क्या डिसीजन है? बैक करो इसको, क्या बनाया इसने ये? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बात है, ओह इसने बहुत हाई क्वालिटी बनाया है। मुझे लग नहीं रहा और अच्छी फोटो आने वाली है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, खराब भी आने वाले इसको कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। ओके भाई ये बंदा हर बार अच्छा देता है बे, हर बार अच्छा देता है ये बंदा कुछ ना कुछ। भाई भाई ये तो फोटो खराब थी, अच्छा कर दिया इसको। और सिर्फ बॉल पेन से मतलब कितना क्रेजी बनाया है उसने, तू डिटेलिंग देख ओरिजिनल फोटो के साथ। अबे साइड में ये कौन सा पोकेमोन है? हाँ तो तू रेगाचू है ना, वो तो वो पोकेमोन के नाम आता था वो। चिड़वा इसको भेज दो आगे, इसको आगे भेज देते हैं। अगले पे चलते हैं। क्या बात है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये रहा फर्स्ट, जहाँ पे आपके कंधे पे पिकाचू है और नीचे गोल्डी भाई और रेगा बनाया उसने। मैं इस ये ड्राइंग कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता क्योंकि गोल्डी भाई इंक्लूड हुए हैं इसमें। अब मुझे गुस्सा आ गया। देखो अच्छी लग रही है ड्राइंग, मैं देखो रिस्पेक्ट करना चाहूंगा। मेरे कोई कमेंट्स नहीं है, जैसे कि आपने बोला है कि आर्ट का कुछ वो नहीं होता। करेक्ट, वो जो गोल्डी भाई को इन्होंने बनाया हुआ है वो ना सामने वाले की केयर कर रहे हैं। बराबर, आई थिंक अगर इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ये फोटो काफी अच्छी है, थिंकिंग से बनाई गई है, अच्छी बनाई है, आर्ट का सोच कर बनाई, आर्ट एकदम। यस तो ये रखते हैं। अरे रे आगे भेजते हैं इनको, चलिए अगले ड्राइंग पे चलते हैं जी। ये रहेगा बिग फैन का, इमोजी देख लो एक बार। नाक में से ने वो नहीं होते, वो बर्ड के फैप नहीं होते, डक होती है क्या होता है जिसके नीचे के वो होते हैं तीन उंगली, वो चिपका दी ने वहाँ पे। क्या बनाया है, नहीं पसंद है आपको? कैसे आ सकता है ये? इज अ फाइन आर्ट स्पेशलिस्ट, फेल टिप पेन से बनाया है इसने, क्लियरली दिख रहा है। देखो ये अगर मैं नहीं होता, नहीं अगर ये कोई कार्टून बनाते तो बहुत अच्छा बनता। करेक्ट करेक्ट, बट ये कृतिका कान के चिपका दिए उन्होंने, कृतिका अच्छा, करेक्ट आर्ट अच्छा है बट मेरा मजाक बना दिया उन्होंने थोड़ा सा। ये है अगला ड्रॉइंग, पोर्ट को क्या हो जाता है मेरे ड्रॉइंग की फोटो में? ये नहीं, ये रिजेक्ट। ऑलरेडी बहुत बेटर मिल चुके हैं, हाँ मिल चुके हैं, तो ये इस पहले मिलती तो करते। बीन क्यों लगाया मैंने आपकी जगह? दो घुटने लग रहे हैं, वो एक लेफ्ट वाला घुटना है, राइट वाला घुटना। सीट भाई क्या बनाया है इसने, क्या बवासीर बना दी है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिंटू घरामी। हाँ देख हटाओ, गजब बेइज्जती है। ओ तो आई थिंक व्हाट दिस ड्राइंग सजेस्ट, और अगर आप ठीक से देखो, ठीक से आप नोटिस करो इसने कितना डीप ड्राइंग बनाया, तो आप ठीक से नोटिस करो कि आपका जो राइट हैंड साइड है आपके ड्राइंग का इज वीक, क्योंकि आप जब SATL के घर पे आते थे तब आप वीक हो जाते थे। I feel this is what he's trying to convey. और लेफ्ट हैंड साइड आपका काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि वो जो महिला है उनका बैक साइड काफी स्ट्रॉन्ग है और आप उसी की तरफ देख रहे हो आंखों से, ऐसा ये ड्रॉइंग में फील आ रहा है। तो दिस इज मतलब आई थिंक दिस इज वॉट दिस आई थिंक दिस इज अ पोएट्री, दिस इज नॉट जस्ट अ ड्रॉइंग। उसने इतना नहीं सोचा जितना आपने बोल दिया। मैं तो सिर्फ ब्रेक डाउन कर रहा हूँ उसके ड्रॉइंग को। उसने पता क्या करा है? क्या किया उसने? उसने पेप्सी चूज करी है सिट भाई। ये पेप्सी की बोतल है, उससे बनी नहीं है, उससे मेरी शक्ल नहीं बनी तो पेप्सी की बोतल क्या बनी। आइडिया अच्छा है, तो मैं इसको डिनाई करूंगा। तू डिनाई कर रहा है, तो डिजर्विंग ही नहीं है। अगला ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अच्छा कार्डबोर्ड पे चिपकाया है, 12th क्लास के लगते हैं मेरे को ये। तो तेरा फैन बेस ऑलमोस्ट वही है, मतलब 15-16 साल के बच्चे लोग ही है, तो ऑब्वियसली ठीक है, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है लग रहा है मेरे को ये। नॉट जस्ट took इंस्पिरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल फोटो, बट ही also put his own टच, एंड जैसे आपको लोग आई थिंक रेगाचू बोलते हैं प्यार से, तो उसने वो भी डाला हुआ है। एंड दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। काटा मारो, रिपोस्ट कहां जा रहे हो? नहीं करना है रिपोस्ट। ये अगला ड्राइंग। ओ ये क्या है, एक सेकेंड, ये क्या? हाँ हाथ में देखो इनने क्या बनाया, ये हाथ देखो, हाँ ये क्या है, कुछ ना कुछ गलत बनाया इसने। चिन्ह देखो, ये चिन्ह असली है ये लौंडा।
चैट तो विनर बोल रही है, और इसने कोई तो बिल पे बनाए हुए, कोई तो रिसीट पे बनाए। ये अलग टाइप का आर्ट है, क्लियरली ये आर्ट का स्टाइल है कुछ तो, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं बट ये कुछ तो है। और इसने गुलाब डाला है आपके गले में, मे बी बिकॉज आशिकी या मजनू या ऐसा कुछ लेके जाते हैं, क्यों लेके जा रहा हूँ पता नहीं बट ये ठीक अगले ड्रॉइंग। सो इट इज बेसिकली रोनाल्ड मैकडोनल्ड हु इज अ क्लाउन ऑफ मैकडोनल्ड्स के फेस में रेगा का फेस फोटोशॉप किया हुआ है, उनके बाजू में एक एनिमे वाली लड़की है और एक कुत्ता फोटो निकल रहा है, क्योंकि आई थिंक वॉट ही इज ट्राइंग टू कन्वे जिसने आपकी वो जो भी हुआ था वो कुत्ता था, मतलब जिसने भी वो लिया था, आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे। सो ही इज क्लियर, हम यहां पे कोई सोशल मैसेज कन्वे करने आए हैं या आर्ट देखने आए हैं? मैं सिर्फ ड्राइंग का मीनिंग बता रहा था उन लोगों को जिनको जो विजुअली इंपेयर्ड होते तो उनको नहीं समझ में आता, तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम व्हाट इट इज, समझ रहे हो? हो गया, आप बता दिया, मैंने बता दिया, आप अपने थॉट्स बताएं ड्राइंग के ऊपर। नो थॉट्स है नहीं, आर्ट ही नहीं। वी कांट टेक दिस टू द नेक्स्ट राउंड बिकॉज इट्स यू नो इट्स नॉट ड्रॉन बाय योर ओन हैंड। कुछ होगा सेट में, कंसेप्ट होगा इसका, बता दो, मैं वेट कर रहा हूं। फॉर द विजुअली मैं ड्राइंग देखने आया था, ड्राइंग मैंने टाइटल भी देखा, ड्राइंग करो ट्यूसडे, बट मेरे को ड्राइंग नहीं दिखी। वी विल लुक इनटू इट, डोंट वरी, मैसेज डाल देना। 3 आईफोन 15 जी, योर थॉट्स जी। सेट भाई बहुत गंदा लग रहा है देखने में, क्या है जी? अरे कितना गंदा लग रहा है सिट भाई, वो देखने में इतना अजीब लग रहा है भाई, हटाओ सामने से। वी गो टू द नेक्स्ट वन। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ। बैठोगे चले, अच्छा लगा आपको, ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट वन। ये क्या गजब सिट भाई आपने करवाया है, पैसे दे के यार। मेरे को मैं कैसे करवाऊंगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काटोगे सिट भाई? अगले वाले पे चलते हैं। अगेन समथिंग आई रियली लाइक, वन ऑफ माय फेवरेट्स। फर्स्ट वर्जन इसने बनाया टकलाटोस, ये है ओरिजिनल रेगाल्टोस। उसके नीचे इसने एक भी बनाया कि नॉट चिकनाटोस, नॉट चिकनाटोस, एक कॉर्पोरेट टोस बनाया। ये मैंने पहले देखी थी ये ड्राइंग, ये मैंने पहले देखी थी, पर कांसेप्ट अच्छा है, कांसेप्ट अच्छा है, कांसेप्ट अच्छा है, बट ये मैं नहीं लग रहा। इसमें से अगर इफ यू हैड टू चूज व्हिच इज योर फेवरेट टोस फ्रॉम दिस, थलाटोस आपको अच्छा लग रहा है? हां। नेक्स्ट ड्राइंग पे चलते हैं। Concept. This is a love word. ये love word है। ये कुछ नहीं करते, ये साल में 2 महीना सिर्फ love बना, love करते हैं, love. ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? जी, ये इसमें इसने कुछ तो बनाया है। I think he's trying to tell a story इसमें. You can break it down. हाँ मैम, इन्होंने एक व्लॉग का शायद देख के बनाया है, बट ये नहीं, ये आर्ट गंदी है, नाक इन्होंने गंदी बनाई है। कंसेप्ट देखो सही है, ऐसे ही था कंसेप्ट तो सही है। पहाड़ भी हैं जी, दिल्ली से मैं रोड ट्रिप पे भी गया था। क्या बात, हाँ दिस इज नाइस, ये अच्छी है, ये जाएगा इस आर्ट का। हाँ कुछ होगा, मतलब बताओ, मतलब आई डोंट नो, पांच लड़के मेरे को वापस खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ये गांव तोड़ रहे हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुमको क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं पीछे वाले लोग जो खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरे को बुला रहे हैं वापस, वापस बुला रहे हैं, क्योंकि और अच्छा, मैं नहीं आना चाह रहा। हाँ बराबर, नाउ आई अंडरस्टैंड, मतलब आई थिंक पीछे वो एसएटीएल वाले खड़े हैं, बूट कैंप वाले, जो बोल रहे हैं आ जा वरेगा बूट कैंप, आजा वापस आजा, और तू नहीं। वो देखो अजय देवगन सर के बाल भी आपके जैसे हैं शायद, करेक्ट, आई थिंक यही कॉन्सेप्ट है, दिखा था तुमको, दिख गया हुआ एकदम से, वो मैं समझ गया। वाले पे चलते हैं, क्या बात है आर्टिस्ट जुनैद भाई, दिस इज वेरी 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 गुड, दिस इज ब्यूटीफुल। रेगा खुद इतना अच्छा नहीं दिखता जो आपने बनाया, उसकी आंखें मैंने अब भी नोटिस की, आंखें देख, बहुत अच्छा बना, ये तो मेरे ख्याल से जीत सकता है इसको, भाई बहुत अच्छा बना, इसको रिपोस्ट करते हैं, वेरी नाइस यार आर्टिस्ट जुनैद। नेक्स्ट वन, मैं शक्ल दिखाता हूं अपने, फुल कर लो मेरे फेस। चैट में लोग बोल रहे हैं काफी सिमिलैरिटीज है, सेम तो है। चैट में एक बंदा पूछ रहा है इसमें से ड्रॉइंग कौन सी और रेगा का वीडियो कौन सा, क्या बनाया है? क्लियरली बट आर्टिस्ट अच्छा है, स्किल्स है बट आगे नहीं जा पाएगा। अगले ड्रॉइंग पे चलते हैं, क्या बात है, इसने रेगा देखो क्या लिखा है, क्या बनाया, ये अच्छा है, काफी अच्छा बना, कर दो शिट भाई इसको, इसने डिटेलिंग काफी अच्छा किया है, तेरे सर के ऊपर की झुरिया वुरिया मस्त बनाई है इसने। ऑनेस्टली मैं बताऊं ये लग नहीं रहा है एडिटेड, वेरी गुड लिखा है, पर अगर नहीं पढ़ा, अच्छा अच्छा वो नहीं देखा था मैंने, नंगा क्यों बैठा हुआ है आर्ट भाई, बताए आपको आर्ट की समझ है ना, पता नहीं विक्टिम डॉस के रिलेटेड होगा कुछ, मेरे को पता नहीं है। बॉडी तो देखो मेरी यही है, मैं सही बताऊं तो बॉडी एकदम रियल लग रही है, कुछ फेक लग रहा है। दिस इज आवर सेकंड लेसन, आई थिंक यू आर लर्निंग स्टेज। ये कौन सी लर्निंग स्टेज है, एक आंख कहां है, मुंह फोड़ दिया मेरा,
बार पीट के रख दिया, ये क्या है, रेबल लग रहा है ये। मुझे क्यों तोड़ा? नहीं छोड़ भाई, ये क्या बनाया है, ये क्या है? मैं... रहेगा बोलते चड्डी खोलते, क्या रहेगा बोलते चड्डी भी बनाया है, आर वाली चड्डी भी बनाई है। फाइनल राउंड, we are going to select top 3 and top 3 पे से हम विनर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आउट, इन, इन, दिस इज द नेक्स्ट वन, आपने आउट आउट आउट। टॉप 5 चूज करते हैं मेरे ख्याल से, टॉप 5 करते हैं, टॉप 5 करते हैं। हां सेकंड, ये इसको आउट रखते हैं, आउट, ये रखो, आउट 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 आउट, ये रखते हैं। अब इसके बाद ये रखते हैं, ये 5 हो गए। देखो ऑडियंस, आपके सामने 5 टैब खुले हुए हैं, फर्स्ट सेकंड दिखाओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इसमें से पहले टॉप 3 चूज करते हैं, थर्ड तो पहले हटा दो। ये ड्राइंग भाई अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी, बट बाकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को अभी के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा बनाते हो वैसे आप, ऑल अभी तक तीनों एपिसोड में आपने पार्टिसिपेट किया है, वेरी वेरी थैंकफुल। फर्स्ट बहुत एजेड लग रहा है, ये पहला वाला हटा देते हैं, पहला वाला कलर वाला, ठीक है, सेकंड वाला भी हटा देते हैं, दो बचेंगे फिर। ऐसा नहीं होता, हार नहीं माननी चाहिए, आप हार नहीं माने, आप अकेले एक और बनाए, मैं उसको देख के मैं आपको मैसेज करता हूँ, मैसेज कर रहा है। तो इसको हटा देते हैं, और फर्स्ट और सेकंड में से अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, आप चूज करना चाहेंगे या चैट करना चाहिए। वन क्लियरली ज्यादा दिख रहा है, देखो देखो मेरे हिसाब से भाई मर्ज देना है ना अपने को, मर्ज देना। तो आर्टिस्ट जुनैद भाई ने लिखा था, मैं अपनी आर्ट को प्रमोट करने आया हूँ, राइट, तो मेरे ख्याल से उनको मर्ज नहीं चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए थी। तो आर्टिस्ट जुनैद भाई को शाउट आउट दे दो, मिलने वाले वो ये है, इनका नाम मैं भूल गया, बट वो ट्विटर पे अपने को मिल जाएगा। जो थर्ड प्लेस आया था उसको कुछ आप पर्सनली देना चाहते हैं? देखो यार मेरे ख्याल से थर्ड भी एक और आपको सिट बाय पार्ट 2 बनाना पड़ेगा वीडियो का। थर्ड मेरा नेक्स्ट जो सबका होने के बाद मेरा जो कांसेप्ट है, आई विल कॉल द आर्टिस्ट डाउन, ये ऐसा मैं सोच रहा हूं। हां हां, मैं एक ज़ूम कॉल होना चाहिए जो सिर्फ थर्ड थर्ड आए हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो ऑब्वियसली टॉप 2 आ गए, करेक्ट, तो सिर्फ थर्ड थर्ड आए ना, उनको एक बार ज़ूम कॉल बात करें, कैसा लग रहा है आपको? शुक्रिया आपका आने के लिए, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू, थैंक यू। Like, share and subscribe and I will see you very soon, and next episode we are going to do with Aman, and काफी मजा आएगा अमन के साथ।